शॉकिंग वोटिंग ट्रेंड्स जो है वो सामने आ रहे हैं। और क्या कहते हैं ये वोटिंग ट्रेंड, कौन है किस नंबर पर, और क्या वाकई में लवकेश को बाकी कॉन्टेस्टेंट के कुल मिलाकर जितने वोट नहीं हैं उससे भी ज्यादा मिल रहे हैं। तो एक वोटिंग ट्रेंड सामने आया है और यहाँ पर अब ये समझ में आ रहा है कि लव को 51.9% वोट मिले हैं, शिवानी को 28.5, विशाल को 19%, अरमान को 4 और चंद्रिका को मिले हैं 0.2%। तो यहाँ ये वोटिंग ट्रेंड जो है सामने आ रहा है जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि लव को 50% वोट जो बाकी कॉन्टेस्टेंट को मिल रहे हैं उससे भी ज्यादा मिल रहा है। यानी बाहर लव को बहुत पसंद किया जा रहा है, जिसके पीछे का साफ कारण है कि यहाँ लव के फैंस, इसके अलावा जो एल्विश के फैंस हैं, वो जमकर जो है लवकेश को सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए इतना ज्यादा सपोर्ट जो है उन्हें बाहर मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो वोटिंग ट्रेंड सामने आ रहे हैं, हालांकि इस बार क्लियर है सब कुछ कि यहाँ पर चंद्रिका यानी कि वड़ा पाव गर्ल का पत्ता जो है कट सकता है। और वैसे भी अगर मैं गेम की बात करूं तो चंद्रिका का गेम इन सभी के मुकाबले में बहुत ही अलग है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चंद्रिका को जिस तरीके से देखना चाह रहे थे, चंद्रिका जिस तरीके से बाहर फेमस थी और चंद्रिका की उसी छवि को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो छवि जो है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। और शायद इसीलिए जो है उनका इस घर में बने रहना भी उतना ही मुश्किल हुआ। और यहाँ शिवानी भी यही बात बोलती हुई भी नजर आई थी कि यार ये रियल चंद्रिका लग ही नहीं रही है, जो चंद्रिका है वो अलग ही है ना जिसको लोग जानते हैं। तो अगर आप वही नहीं दिखाओगे अपना, जो आप की वो हर बात पे भड़कती है, नाराज होती है, तो जो बाहर उसके वीडियो वायरल हुए हैं उससे एकदम अलग चंद्रिका यहाँ देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते चंद्रिका जो है क्लियर कट ऐसा है कि बाहर आ सकती है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा।